इस भरी सी भीड़ में तन्हाई सा लगता है, परदेस में कभी तो अकेलापन भी तो खटकता है। वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ तुबा तुरानी और आज फाइनली काम हो चुका है और आज जुमेरात का दिन यानी वीकेंड नाइट है। तो आज खाने में तो इतना कुछ बनेगा नहीं, यानी एक सिर्फ सालन बनेगा और एक मीठा बनेगा, जो कि आप लोगों को पता है कि मीठा कभी कभार में ये होता है ना कि नहीं, मतलब जो समझ नहीं आ रहा होता तो मैं शीर खुरमे की अम्मी बहन जो भी समझ लीजिए वो बनाती हूँ। तो मैं आज इस तरीके से ना वापस से शीर खुरमा बना लूँगी और चिकन कढ़ाई बनेगी, रोटियाँ बाहर से आएगी तो कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना चले आप लोगों से भी बात हो जाए। अभी ये न्यूज़ आई है यूएई में कि न्यू ईयर के बाद जो मंथ शुरू होगा, तो जब यहाँ पे भी सुना है कि हफ्ता और इतवार की छुट्टी हुआ करेगी, तो देखिए क्या रूटीन फिर बनती है। क्योंकि यहाँ पे जब से हम आए हैं तो मैंने यही देखा है कि जुम्मे की छुट्टी होती है, जुम्मा हफ्ता छुट्टी होती है और संडे से सब काम पे जाते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ कपड़े आए हैं पाकिस्तान से मेरे लिए, और मेरा सिर्फ इन कपड़ों को बताने का मकसद ये है कि बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई हमें तोहफे तहाइफ भेजता है। कुछ कपड़े इसमें से मेरे मतलब मैके से आए हैं, यानी मेरी सिस्टर ने भिजवाए हैं और मेरे भाई ने भिजवाए हैं, अम्मी ने भिजवाए हैं, और कुछ कपड़े मेरे ससुराल से आए हैं यानी मेरी सास ने भिजवाए हैं, और जो मेरी जेठानी आई है वो लेकर आई है। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के कोई हमें तोहफे तहाई भेजता है। बात पता है ये कपड़े दिखाने की नहीं, बात मैं सिर्फ ये करना चाह रही थी कि ये जो चीज़ें आती है ना, इससे अपनों की खुशबू आ रही होती है, अच्छा लग रहा होता है कि कोई यानी बाहर से मतलब ये चीज़ें यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मिलती हैं, अल्लाह का शुक्र यहाँ पे भी पाकिस्तानी कपड़े तक मिलते हैं। लेकिन बात यही मोहब्बत की हो जाती है, अपनों की खलुस की हो जाती है कि हाँ कोई इतने प्यार मोहब्बत से हमें मतलब कपड़े देता है या तो तोहफे तहाइफ भेजता है। तो थैंक यू फॉर ऑल माई फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे लिए इतने तोहफे भेजे, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यही चीज़ होती है कि जब दूर जाते हैं ना तो अपनों की कदर होती है, अपने मुल्क की कदर होती है, अपने लोगों की रिश्तों की कदर होना शुरू हो जाती है जब हम दूर होते हैं। हाँ जी, तो ये पेपर मैंने फिर निकाला है और ये वही पेपर है जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये वॉल पेपर्स जो मैंने वहाँ पे कबर्ड्स में लगाया था, जो जहाँ पे मैं सर्फ वगैरह रखती हूँ। अच्छा, ये पेपर्स मैंने वापस क्यों निकाला है ये भी आप लोगों से डिस्कस करना है। कुछ आइडियाज़ आया है जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए आइए फिर मैं इसे काटूंगी भी उस आइडियाज़ के हिसाब से। और पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे पेपर्स अब कहाँ लगाना है तो मैं आपको बताती हूँ जी। तो अक्सर घरों में ये होता है कि जो हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, तो उसका जो ये हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये बहुत गंदा हो जाता है। खैर ये मेरा इतना मतलब साफ है क्योंकि मैंने इसे घसती रहती हूँ तो इतने साफ है, लेकिन इस तरह का जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, ये बहुत गंदे हो जाते हैं जब ये देखें। फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आए कि ये मैंने इसलिए साफ किया कि अब्दुल्ला भी है ना, जब खोलता है ना गंदे हाथों से तो ये यूँ आता है, या पानी के हाथ भी जब यूँ आते हैं ना तो ये सारा हिस्सा ख़राब हो जाता है। तो वैसे तो ऑनलाइन यहाँ पे स्टिकर्स लगाने के मिलते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जब हमारे पास इस तरह का वॉलपेपर्स पड़ा है तो क्यों ना मैं यहाँ पे से लगाऊं। तो हम इसी तरह से मेजरमेंट करके यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी बोर्ड हैं ना, ये है जैसे वॉशरूम, और ये वॉशरूम का है और ये गीज़र का है, इसी तरीके से ये एक बोर्ड का है, ठीक है, और एक हमारा एसी का है। ये भी, ये हिस्सा भी मेरा बहुत गंदा होता है ये, क्योंकि अब्दुल्ला का मेरा भी जो हाथ लगा यूँ खोला यूँ बंद किया, तो एक ये है। और इसके अलावा ही मेरे एसी का जो है यहाँ का ये हिस्सा, क्योंकि बार बार खुलता है बार बार बंद होता है, तो इन सब के नाप का मुझे पेपर काटना है और पेपर काट के फिर हम लगाएंगे। तो हाँ जी, इस पेपर को काटना कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है, अगर आप इस पेपर्स को जब पीछे खोल के देखते हैं ना इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होता है सारा, ठीक है ना। एक मिनट में आपको बताती हूँ जी। तो देखिए मैं बता रही हूँ कि जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा होता है
आपको जितना काटना है, और इसमें पीछे की साइड पे ना इस तरीके से ये बना हुआ होता है, मतलब लाइनें डली हुई होती है, जिससे ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमें जो कितना ना कटिंग करना है, बस आपको मेजरमेंट करना होता है और कटिंग करना होता है। जैसे कि अभी जिस जो मुझे सही लग रहा है मैं उस हिसाब से कटिंग करूँगी, तो मैं उस साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक पेपर्स कटिंग करूँ उसके हिसाब से करूँ, तो मैं मतलब फुट्टा ही लूँगी, जो स्केल होता है वो लूँगी, स्केल के हिसाब से इसे कटिंग करेंगे और फिर हम इसे लगाएंगे। हाँ जी, तो मुझे जितना आइडिया हुआ है मेरे मतलब अपनी नापने के बाद, तो ये हुआ है कि ये जो मेरा ये साइज है ना, ये चौड़ाई सही है, तो ये इतनी चौड़ाई से ही हम सारे अपने ना कटिंग कर लेंगे ये वॉल पेपर, ताकि ना हमको आइडिया हो जाए। फिर वो मैं आपको साथ साथ लगा के भी बताऊंगी। ये 1.5 इंच है शायद, हाँ ये 1.5 इंच तक का है ये पूरा, मतलब ये सही से ज़्यादा पतली भी पट्टी अच्छी नहीं लगेगी, और ये मतलब इससे ज़्यादा मोटी भी अच्छी नहीं लगेगी, तो हम इसको पूरा कटिंग करेंगे और फिर लगाएंगे। देखिए, मैंने इस टाइप में ये पट्टी काट ली है, और इसी टाइप में हम ये पट्टी काटेंगे और इसको लगाएंगे। चलिए आइए, मैं अभी लगाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। हाँ जी, तो हम इसकी यूँ नाप से हम अब इसको काटेंगे और इसको लगा के देखेंगे कि हमारा कैसा लगता है। तो मैं चाह रही थी कि इस तरह काटूँ ना, ठीक है, तो ये इस नाप से काट के और मैं लगाती हूँ इसको, ऐसे आइडिया हो गया इतना काटना, ठीक है। तो ये इस तरीके से लग गया है पूरा, ठीक है। अब ये क्या, ये गंदा भी नहीं होगा, और अगर छुए भी तो इसमें हाथ लगेंगे तो ये गंदा नज़र नहीं। हाँ जी, तो अब हम इसका करते हैं, मगर इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसका लेवल एक नहीं है, लेकिन हमें इसे एक लेवल में बना के इसको लगाना है, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है, और वहाँ पर भी जो मेरे ना ऐसी का था उसमें भी इसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं इसको अब पूरा सही तरीके से नाप कर और फिर मैं इस पर लगाऊंगी और आपको साथ साथ बताती हूँ। अब ये मैंने इस तरह ये बीच में लगा दिया ताकि हमारा ये बुरा ना लगे, और अब मैं इसको यूँ लगाऊंगी, ठीक है। इसको इतना बड़ा काटा है मैंने, अब इसको यूँ लगाने के बाद फिर हम दूसरा करते हैं कि किस तरीके से करना है। चलिए ये लगाते हैं और अपने इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ऐसे करके। सो देख लीजिए, इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे अब किसी के हाथ वगैरह भी लगे तो ये कि ये साफ हो जाएगा, और इतना मतलब क्लीन होकर ये बिल्कुल सही रहेगा। ये दीवार की वजह से थोड़ा मुझे इसको लगाने में डिस्टर्बिंग हुई थी, लेकिन फाइनली मैंने ये लगा लिया। फाइनली ये भी मैंने लगा दिया, ये जो मेन डोर का इस साइड पे मेरे बटन था, मैंने इस पे भी ये लगा दिया, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो नहीं बुरा लग रहा। तो ये एक मेरा एक स्टेप ये भी हो गया। तो ये घर का स्विच का भी मैंने इस तरीके से लगा दिया है, और अब मैं फाइनली सब कुछ कर आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे घर में ये चीज़ कैसी लग रही है। और फाइनली ये देखिए मैंने लगा लिया है, और ये लगने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। पता ही क्या है, कुछ चीज़ें मतलब हमें जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं और ऐसे हमें लगता है कि वो सीधी लगी हुई है, लेकिन जब हम उस
के हिसाब से कुछ लगाने जा रहे होते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि वो चीज़ हमेशा टेढ़ी लगी हुई है और थोड़ा क्रॉसिंग में लगी हुई है। जैसे कि ये मैं काफ़ी कनेक्ट की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे आखिर में पता चला कि ये लगा ही टेढ़ा है। तो फाइनली ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से ये कि अब हाथ भी लगेंगे ना तो गंदा नहीं लगेगा। और मैं आपको सब बताती जाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ लगाएं। और ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये क्या अब्दुल्ला भी अगर हाथ लगाएगा ना तो ये मेला मेला नहीं होगा, जो मेला मेला सा लगने लगता है। और एक ये है, ये मेरा वॉशरूम का बटन है और ये गीज़र का बटन है। तो इन दोनों बटन के लिए भी मैंने इस तरीके से ये लगा लिया फाइनली, ताकि ये खूबसूरत भी लग रहा है और क्या गंदा भी नहीं होगा। ये एक ही मेन डोर का है, ये बल्ब का बटन है मेरे यहाँ के, जो बल्ब के बटन है ये वाले, तो ये भी मैंने इसी तरीके से लगा दिया है। क्योंकि ये रोज़मर्रा जो यूज़ होने वाले होते हैं ना स्विच वगैरह, तो उनके लिए ये होता है कि हम कभी गंदे हाथ से भी लगा रहे होते हैं और कभी हम साफ हाथ से भी इसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो फाइनली ज़्यादातर तो गंदे हाथ लग रहे होते हैं। तो इस तरीके से लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि अब ये जो जहाँ जहाँ हमारी उंगलियाँ लगती है ना, अभी वहाँ नहीं लगेगी। और लास्ट में मेरा ये वाला है घर का भी यही होता है कि फ़ौरन बटन जब हम किचन में होते हैं तो दबाना पड़ जाता है और फ़ौरन हमें ना यूज़ करने के लिए, तो इस तरह मैंने लगा दिया ताकि ये गंदा ना लगे। सो आई होप आज का ये छोटा सा मेरी टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।